वहीं भारतीय रेलवे की तस्वीर भी अब बदलने जा रही है। अमीर देशों की तरह भारत की ट्रेनें भी हाईफाई होने वाली हैं। भारतीय रेलवे के इस हसीन ख्वाब को हकीकत में बदलने जा रहा है ट्रेन 18 यानी T-18। क्या होगा इस खास ट्रेन में, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। चेन्नई से देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बेहतर भविष्य की ओर झांकता भारतीय रेलवेज और नाम है ट्रेन सेट 18 या फिर T-18। इसके इंटीरियर्स भी बेहद खास होंगे। तमाम यात्री सुविधाएं जो है इसमें मौजूद होंगी ताकि आपकी यात्रा अनुभव को बेहतर बनाया जाए। और ऐसे ही एक कोच में T-18 के कोच में हम मौजूद हैं। आधा काम लगभग तैयार हो चुका है और अब अपने फिनिशिंग की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या कुछ खास होगा, बात करने के लिए हमारे साथ हैं GM मिस्टर मणि। सर, इंटीरियर्स को लेकर बहुत बातें हैं, बहुत एक्साइटमेंट है कि पैसेंजर अमेनिटीज काफ़ी हाई एंड होंगी, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, इंटीरियर से बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ट्रेन 18 है क्या। ट्रेन 18, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका नाम ट्रेन 18 इसलिए दिया है कि ये इसकी प्रोटोटाइप रेक 2017 में हमें अलॉट की गई। मार्च अप्रैल 2017 से हमने काम शुरू किया और 2018 में ही डिजाइन करके सारे मटेरियल प्रोक्योर करके सारे वेंडर्स को डेवलप करके प्रोडक्ट्स डेवलप करके इसको हमने बीड़ा उठाया था कि हम इसे 2018 में ही टर्न आउट कर देंगे। हमारा टारगेट पहले था जुलाई 2018, उसमें वेंडर्स की एक दो स्लिपेज की वजह से एक दो महीने डिले हो रहा है। अब हमारा टारगेट है कि सितंबर 18 में हम इसे ICF से निकालेंगे। उसके बाद इसके टेस्ट और ट्रायल RDSO करेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि 2018 में ही ये कमर्शियल सर्विस में इंडक्ट की जा सकेगी ये ट्रेन, और अपना नाम जो है ट्रेन 18, इट लिव अप टू दैट नेम। अब इसके इंटीरियर की आप बात कर रहे हैं, इसकी ख़ास बात है कि सारे इसके जो इक्विपमेंट हैं स्टेट ऑफ द आर्ट 3-phase ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, वो सब फ्लोर के नीचे माउंटेड हैं। तो दो कैब्स को छोड़ के 16 कोच की पूरी ट्रेन पूरी की पूरी पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल है। इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं है रास्ते में, और कोई भी पैसेंजर एक एंड से दूसरे एंड वाइड गैंगवेज के थ्रू जा सकेगा। ये जो वेस्टिब्यूल हमारी ट्रेनों में है वैसा नहीं है, ये बहुत बढ़िया वाइड गैंगवे होगा। बड़ी कंफर्टेबली आप एक कोच से दूसरे कोच में जा सकते हैं। फिर कोच तरफ आइए तो इसका स्लाइडिंग डोर भी बहुत बेटर क्वालिटी का हम लोग लगा रहे हैं, अभी जो लगाते हैं उससे लाख दर्जा बेटर है। इसके अलावा इसमें अनइंटरप्टेड वाईफाई अवेलेबल होगा पैसेंजर्स को। इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल रिक्लाइनिंग सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी और पैंट्री इक्विपमेंट इम्प्रूव्ड क्वालिटी का हम लोग लगा रहे हैं इसमें, जिससे पैसेंजर्स को जो खाने पीने का सामान देना है उसमें वो एक बेहतर ढंग से दिया जा सके। इंटीरियर्स में हर पहलू पे आप ध्यान दे रहे हैं, सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सेफ्टी के लिहाज से भी क्या कुछ कदम होंगे जिससे यात्रा सुखद तो हो लेकिन सुरक्षित भी हो? इसके लिए ये चूंकि ये है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की कैपेबिलिटी की ट्रेन, इसका एक्सेलरेशन बहुत फास्ट है, तो ये ट्रैवल टाइम तो कट करेगा ही। चूंकि ये डे ट्रेन है इसलिए शताब्दी को रिप्लेस करेगा और ट्रैवल टाइम इसमें 20-25% हम लोग उम्मीद कर रहे हैं ट्रैवल टाइम कम हो सकेगा, 15-25%। अब चूंकि स्पीड ज़्यादा है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो सेफ्टी भी साथ में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक नई तरह की बोगी कहते हैं जो नीचे के अंडर कैरेज पूरी कार को सपोर्ट करता है चक्कों के साथ, उसको बोगी कहते हैं। बोगी हमने नई डिज़ाइन की है इसके लिए।